हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज का प्रोग्राम कुछ ऐसा है कि हम लोग जा रहे हैं फाइनली कहीं घूमने, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे हम लोग घूम नहीं रहे थे कहीं पर, और आज फाइनली हम चल रहे हैं घूमने। तो चलिए देखते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। तो दोस्तों, सामान पैक कर लिया हमने, ये कुछ बर्तन वर्तन रख लिए और ये थोड़ा और सामान। तो चलो चलते हैं और मिलते हैं बाकी साथियों से। Much later. तो दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा वेट करने के बाद फाइनली मिश्रा जी मेरे को लेने आ गए थे और सौरभ भी हमारे साथ। तो अभी हम हैं पालमपुर मेन मार्केट में और हम निकल चुके हैं बरोड की ओर। तो चलिए आपको रास्ता दिखाते हैं कि कैसा है। तो दोस्तों, अभी हम रुके हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के पास और अभी हम कराएंगे यहाँ पर डीजल फ्यूल अप और फिर हम निकलेंगे आगे बरोड की ओर। और ये देखिए मिश्रा जी पेट्रोल भरवाते हुए। डीजल है, पेट्रोल नहीं है। ओ सॉरी, मेरा मुंह तो निकल गई, क्या बताऊं। तो हमने करा लिया फ्यूल अप, अब करा लेंगे हम थोड़ी सी गाड़ी में हवा रिफिल। थोड़ी सी कराएंगे, ज्यादा नहीं कराएंगे, नहीं तो टाइम फट जाएंगे। तो मिश्रा जी, अब क्या प्रोग्राम आगे का? अब हम यहाँ से निकलेंगे बैजनाथ, वहाँ से पिक करेंगे अनुज को और निकलेंगे यहाँ से बरोट और आगे का प्लान आपको बताते हैं। अनुज को हमने 2 घंटे पहले फ़ोन कर दिया है। अनुज को हमने पहले फ़ोन कर दिया क्योंकि पिछले कुछ ट्रिप्स के हिसाब से अनुज को आने के लिए 1-2 घंटे पहले बताना पड़ता है। फिर भी लेट होता है। चलो कर चलते हैं अब। दोस्तों, अनुज टाइम पे पहुंच गया। अब जैकेट लेके आ जाएगी। चलिए अनुज को बिठाते हैं और चलते हैं फिर आगे। तो गाइस, हमारी सवारियां लोड हो चुकी हैं। अब ड्राइवर साहब, आप कहाँ जाना है? अब हम पहले जाएंगे जो विंदर नगर, पर पहले पोल्यूशन तो बढ़ा ही नहीं हमारा, तो गाड़ी तो चल ही रही है। चलो ठीक है, चलते हैं। तो होगा चलान 2000 का, 500-500 कर लेंगे सारे, क्या हो गया। हमें साथ मत जोड़िए, अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है। तो दोस्तों, फाइनली अब हम रुकने वाले हैं रिफ्रेशमेंट ब्रेक के लिए। बहुत देर हो गई है हमें गाड़ी चलाते हुए। मिश्रा जी हमारे थक गए हैं थोड़े से। गाइस, अभी हम पहुंचने वाले हैं घटासनी और अभी हम थोड़ी देर के लिए यहां पर गन्ने का रस पीने के लिए रुके हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। और यहां पर देखिए आप सॉल्ट वैली ट्राउट फिश फार्म जो कि है वो बहुत नीचे जाके देख पा रहे होंगे आप। तो यहां पर ट्राउट फिश ले सकते हैं आप आके, बहुत फेमस है यहाँ की ट्राउट फिश। और अभी हम पियेंगे गन्ने का रस। A few moments later. दोस्तों, अभी हमने पिया गन्ने का रस और ड्राइवर चेंज हो गया है और अब आगे है हमारे न्यू ड्राइवर। अगर माइलेज बहुत कम होने वाली है, अब गाड़ी की माइलेज गिरेगी और गाड़ी 4-5 बार बंद भी होगी। ये तो सही बात है। हम आपको दिखाते रहेंगे आगे का कैसे गाड़ी 12 बार बंद होगी अब चढ़ाई पे। फिर से उड़ चला, उड़ के छोड़ा है जहाँ नीचे मैं तुम्हारे अब हूँ हवाले। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? दोस्तों, ये सामने रास्ता गया मंडी को और हम यहाँ से लेंगे लेफ्ट और ये रास्ता है बरोट की तरफ और बरोट है यहाँ से 25 किलोमीटर। और यहाँ पे लग गया जाम और यहाँ स्टार्टिंग में ही जाम लगा हुआ है। सो दोस्तों, अभी हम पहुंच गए बरोट से 15 किलोमीटर दूर और आज का हमारा प्लान ऑफ एक्शन ये है कि आज हम सबसे पहले पहुंचेंगे बरोट और वहां से जाएंगे, एक नया रास्ता बना है राजगुंदा वैली को, तो हम वहां से जाएंगे राजगुंदा वैली और वहां पर करेंगे हम लंच और उसके बाद हम राजगुंदा वैली से, जो आपने हमारे पिछले व्लॉग में देखा होगा कच्चा रास्ता, उसको क्रॉस करके हम जाएंगे बिलिंग और वहाँ से बीड।
तो दोस्तों बैठते गाड़ी में और निकलते बरोट वैली को। दोस्तों फाइनली वी हैव रीच्ड बरोट वैली और ये देख सकते हैं यहाँ का छोटा सा एक रिजर्वॉयर। और अभी हम यहाँ का ब्रिज क्रॉस करके जाएंगे लेफ्ट साइड से टुवर्ड्स द अदर साइड। वहाँ पे कुछ और गाड़ियाँ भी खड़ी हुई है तो अब हम उस तरफ को जाएंगे यहाँ से। हम गाड़ी को यहाँ पे खड़ा करेंगे जिससे ये गाड़ी पे पानी गिरेगा और थोड़ी साफ हो जाएगी। फिर हम चारों में से कोई एक कपड़ा लेके इसे साफ करेगा। तो दोस्तों अभी हम रोड से निकल रहे हैं वापस। हमने थोड़ी देर यहाँ पे टाइम स्पेंड कर लिया, गाड़ी धोली और यहाँ पे थोड़े से शॉर्ट्स लिए हैं गाड़ी के और अब निकलते हैं राजगुंदा की तरफ। सो अभी हम हैं ऑन द वे टू राजगुंदा वैली और ये रोड आप सारा देख सकते हैं जो ये आ रहा है बरोट की तरफ से। जो ये रोड अभी बिल्कुल नया ही बना है राजगुंदा वैली के लिए और यहाँ पे छोटे छोटे गांव भी आप पीछे देख सकते हैं। और ये रास्ता थोड़ा ही पक्का बचा है, आगे सारे रास्ता ही कच्चा है। और जो राजगुंदा वैली है वो हमें वहाँ ऊपर जाना है अभी, जो इस जगह पर अभी हमें पहुँचना है। तो यहाँ से अराउंड लग जाएगा आधा घंटा 40 मिनट ऊपर तक पहुँचने को। तो दोस्तों राइट नाउ वी आर एट बड़ा ग्रा और यहाँ तक रोड है पक्का और अब हो जाएगा सारे रोड कच्चा। और यहाँ से कुछ खाने को ले लेते हैं क्योंकि यही लास्ट शॉप है वहाँ पर। तो गाइस लास्ट टाइम जो ब्लॉग था जिसमें हम लोग राजगुंदा से रोड नहीं पहुँच पाए थे, तो ये वाला जो पुली है ये वाली डल रही थी तब शायद, और अभी ये बन चुकी है। तो आज होपफुली हम पूरा सर्किट कम्प्लीट कर पाएंगे। और ये देखिए बहुत ही ज़्यादा भयंकर वाटर क्रॉसिंग। Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. दोस्तों हर ट्रिप में हमें एक नया दोस्त मिल जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो दोस्तों अभी हम आ गए नदी के किनारे और ये रख रहे हैं कुछ कोल्ड ड्रिंक ठंडा करने को और साथ में हम कुछ लाए खाने का सामान और साथ में हम बनाएंगे मैगी खुद। और ये आ गया सौरभ स्टूल और बाकी सामान लेकर और ये डॉगी भी हमारे साथ ही है। और काफ़ी ज़्यादा सुंदर नज़ारा लग रहा है यहाँ का। तो दोस्तों सबसे पहले अब हम यहाँ पर बनाएंगे एक छोटा सा चूल्हा और लेके आएंगे जंगल वाली तरफ से कुछ लकड़ियाँ और लगाते हैं आग और बनाते हैं मैगी यहाँ पर। आप देख सकते हैं नज़ारा यहाँ पर खड़ के साथ बैठ के कितना ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है।
अमेजिंग मैन, अमेजिंग। तो दोस्तों अब हमारे चूल्हे का सेटअप हो गया है और एक देख सकते हैं आप कढ़ाई, और अब हमें कुछ लकड़ियाँ लाने जाना पड़ेगा जिसके लिए हम ये टास्क अनुज को असाइन करने वाले हैं। तो दोस्तों देयर इज अ स्लाइट चेंज इन प्लान। तो पहले हम अपना सेटअप इस जगह पर कर रहे थे, पर अब हम सोच रहे हैं कि अब हम जाएं ऊपर वहाँ पेड़ों के नीचे, क्योंकि वो जगह हमें और भी ज़्यादा बेटर लग रही है। तो चलो चलते हैं जल्दी से और लगाते हैं अपना सेटअप वहाँ पर। तो गाइस हम लोग ये जा रहे हैं इस टूटे पुल से, जो कि बहुत ही ख़तरनाक लग रहा है अभी तो, लेकिन हम हिम्मत करके जा रहे हैं यहाँ से। गाइस वेन्यू चेंज करके अब हम यहाँ पे आ गए हैं। पहले हम नदी के उस तरफ थे, लेकिन अब हम यहाँ पे करेंगे बाकी का कंटिन्यू अपना प्रोग्राम। थोड़ी प्लेन सी जगह भी है, ग्राउंड सा भी यहाँ पर। गाइस थोड़ा सा हमारा पिकनिक का सेटअप तैयार हो गया है। वहाँ पर लग रहा है हमारा चूल्हा और यहाँ पे हमने लगा दिया झूला, और ये बाकी का सामान है हमारे पास, और ये हमारे शेफ सौरभ भारद्वाज, और ये हमारे दूसरे शेफ जो अभी चूल्हा सेटअप करेंगे। काम बंद यहाँ करने ये बोटी है कने पनियारी है ये बंदी वाले इसको ऑटो का खोजना पड़ेगा। One eternity later. तो दोस्तों देखिए मैगी की प्रोसेस अभी चल रही है, अभी ये वेजिटेबल्स उबलेंगी, फिर उसके बाद हम मैगी मसाला डालेंगे इसमें, फिर मैगी डालेंगे। और ये थी हमारी कूफिया मैगी की रेसिपी। और यहाँ पर देखो हमने प्रेपरेशन करते हुए कितना कदम मचा दिया है, लेकिन टेंशन ना ले, हम इस सब को साफ़ करके जाएंगे। तो दोस्तों मैगी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, और कुछ लकड़ियों की कमी हो गई थी तो हमने अनुज और भानुज को भेजा है लकड़ियाँ लाने। वो देख सकते हैं पहाड़ से ऊपर से लकड़ियाँ लाते हुए। तो अब थोड़ी और आग जलाएंगे ताकि मैगी थोड़ी जल्दी बन पाए, क्योंकि यहाँ थोड़ी हवा तेज़ हो गई है, उस वजह से थोड़ा मैगी को उबलने में टाइम लग रहा था। तो ये एक प्लेस है जो उतनी अभी एक्सप्लोर्ड नहीं है, तो अगर कोई इन वादियों में शांति ढूंढने आ रहा है तो राजगुंदा वैली इज़ अ मस्ट प्लेस टू विज़िट। और ये देख सकते हैं लकड़ियाँ आ चुकी है हमारी। गाइस मैगी रेडी हो गई हमारी, और हमारे शेफ पूरी तैयारी कर रहे हैं हमें परोसने की। ये मिश्रा जी जो कोई काम नहीं करते, बस खाने आए हैं यहाँ पे, खाने और रीले बनाने, बस खाने और रीले बनाने आए हैं। ये सारा काम, प्याज मैंने काटा, टमाटर काटे। भाई तुमने आज सिर्फ एक काम किया, गाड़ी चलाने का। और ये हमारे दोस्त हैं मैंने किया जो काम करते हैं, लेकिन कैमरा के सामने नहीं आना चाहते। और आग बुझ गई है। चुकर पे कुत्ते। तो अभी आपको टेस्ट करके बताएंगे मैगी कैसी बनी है। सौरभ ने तो बनाई है, तो हम उससे नहीं पूछेंगे। तो अब अनुज और भानुज आपको बताएंगे। ड्रिंक्स ब्रेक पे हूं मैं। बता भाई, बहुत अच्छी है। तो तू बोलेगा ही बता, अनुज जल्दी कर, जल्दी बोल पनवेल, जल्दी कर, सो पनवेल निकलना है। ले चल लिया, क्या ख्याल है, गुड ले लिया तो लिया। तो दोस्तों अनुज ने तो वैलिडेशन दे दिया मैगी को, तो हम भी टेस्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों मैगी खा ली, और अब जो भी हमने यहाँ पे प्लेट्स वगैरह यूज़ की थी, अब हम इन्हें वापस बैग में डालेंगे और वापस लेके जाएंगे अपने साथ, और ढंग से इन्हें डस्टबिन में फेंक कराएंगे। तो अगर आप लोग भी किसी वैली को विज़िट कर रहे हैं तो
अपना जो भी आपका कचरा या कूड़ा है उसको अपने साथ लेके जाए और यहाँ पे ना छोड़ के जाए। तो दोस्तों पैकअप हमने सारा कर लिया और वो है हमारा सारा कचरा हमने पैक कर लिया है। तो दोस्तों यहाँ थोड़ा रास्ता ख़राब है तो गाड़ियाँ यहाँ पे फंस रही थी काफ़ी। तो हमारी गाड़ी तो यहाँ से आराम से निकल गई है। तो दोस्तों नाउ वी आर एंटरिंग राजगुंदा विलेज। तो ये आपने हमारी 2 महीने पहले की एक वीडियो में गांव देखा होगा, उस टाइम पे यहाँ काफ़ी ठंड थी और लोग भी नहीं थे। तो अब शायद लोग बिलिंग से वापस यहाँ आ गए होंगे रहने अपने घरों में। तो अब यहाँ पे कुछ लोग भी दिख रहे हैं और गाड़ियाँ भी दिख रही है। लास्ट टाइम ये बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था। दोस्तों नाउ वी हैव रीच्ड चाहिना पास और यहीं से जाता है हनुमानगढ़ को ट्रैक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई है आज और काफी लोग हैं यहाँ पर। तो दोस्तों ये है पूरा रास्ता जिससे अभी हम आए हैं राजगुंदा से होके। ये देख सकते हैं आप जहाँ जहाँ से पहाड़ की कटिंग हुई है। तो चलो अब निकलते हैं आगे की तरफ और पहुँचते हैं बिलिंग। सो दोस्तों अभी हम पहुँच गए बिलिंग जो है पैराग्लाइडिंग टेक ऑफ पॉइंट और अभी बज रहे हैं शाम के 6 और अब आप भीड़ देख सकते हैं यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ है टेक ऑफ पॉइंट पर। इतने लोग एक्सपेक्टेड नहीं थे पर काफ़ी ज़्यादा लोग इस टाइम भी। तो दोस्तों फाइनली हमने सारा सर्किट कंप्लीट कर लिया है। तो अभी हम पहुंच गए बीड़ चौक पर और यहीं से हम गए थे पहले बरोट और वहां से हम गए राजगुंदा और बिलिंग होकर हम वापस पहुंच गए उसी पॉइंट पर जहां से हमने शुरू किया था। तो गाइज फाइनली हम लोग वापस पालमपुर पहुंच गए सारा दिन घूमने के बाद और अभी टाइम हो रहा है 7:51 और 51 मिनट चलो ठीक है। तो गाइज आज की वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म और मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।